Assalamu alaikum. This is Zeeshan Safdar and welcome to another lecture of Tutorials House. Tutorials House के एक और लेक्चर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि MX Player के अंदर हम लोगो स्क्रोल को कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं और कैसे उसकी सेटिंग कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट के हवाले से इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम स्विच मैक्स को ओपन करके उसमें एक फटाफट सा एक लोगो और स्क्रोल तैयार करेंगे जो कि MX प्लेयर में हम बाद में लेकर जाएंगे. तो चलें, मैं स्विच मैक्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पर 300x150 का मैंने साइज़ दे दिया और 300x200, ठीक है. और यहाँ से कलर चूज़र में जाने के बाद मैं इसको इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करूँगा, और ये मेरी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होगी. उसका जो कोड होता है 64x0x0 होता है, और इसको ओके करूँगा और ये मेरा जो है साइज़ आ जाएगा लोगो का. और अब मैं ट्यूटोरियल्स हाउस के इस गिफ्ट फाइल को मैं इंपोर्ट करूँगा, ठीक है. एनिमेटेड आ गया और फुल ट्रांसपेरेंट आ गया, और ये मेरे पास मेरा लोगो आ गया. और इसको मैंने अब यहाँ पर एडजस्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है. और इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ ट्यूटोरियल्स हाउस, जो कि हमारे चैनल का नेम है. ठीक है, और इसको बोल्ड कर लिया मैंने. अच्छा, ये आ गया ट्यूटोरियल्स हाउस. इसका कलर जो है हम वाइट कर लेंगे, और इसको एक मामूली सा एक दो जो है ना हम इफेक्ट लगा देंगे. इसको हम इफेक्ट लगाएंगे. इसको हम रिटर्न टू स्टार्ट एंड फ्रीक्वेंसी, ये ठीक है. और यहाँ पर हम इसको डिसअपीयर कर देंगे, ठीक है. ये हो गया, ओके. इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है. अच्छा, अभी हम इसको सेव कर लेते हैं. इसकी मूवी जो है हम 10 कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और इसको सेव कर लेते हैं. कंट्रोल ई प्रेस किया मैंने और मेरी एक्सपोर्ट की जो ऑप्शन है वो आ गई. ये हो गया हमारा लोगो. अच्छा, अब लोगो के बाद हम स्क्रोल का साइज़ लगाएंगे यहीं पर. यहाँ पर 800x90 लगा दिया मैंने. ये मेरी स्क्रोल का साइज लग गया है, ओके. और अब मैं स्क्रोल को तो बैकग्राउंड करनी है ना, बैकग्राउंड यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ. ओके, और यहाँ से हम इसको कलर कर लेते हैं. इस टाइप से, ठीक है. और ट्यूटोरियल्स हाउस को इसके गिफ्ट फाइल को ऊपर कर लेते हैं, ओके. और
इसको यहाँ पर रख लिया और यहाँ पर लिख लेते हैं सब्सक्राइब। सब्सक्राइब ठीक है, इसका कलर कर लिया येलो। इसको 100% करके चेक कर लेते हैं और ये हो गया। अब यहाँ पर हम इनके ट्रांजेक्शन्स करेंगे, ट्रांसलेशन से, पोजीशन से, जिसे फैक्टर वगैरह भी कह लेते हैं, वो सारा कुछ हम करेंगे। ये हो गया ठीक है। और इसी को मैं यहाँ पर ओके हो गया। और यहाँ पर मैं डिसअपीयर का फैक्ट लगा दूंगा ओके। अब ये स्क्रॉल होगी, ये दोनों चीज़ें जो लोगो और स्क्रॉल हमारे सेव हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो है हमारा लोगो और स्क्रॉल जो है वो रेडी है। और अब हमने इसको MX प्लेयर के अंदर इम्पोर्ट करना है कि किस तरह से हम उसको लगा सकते हैं और उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं और प्लेलिस्ट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, वो सारा तरीकाकार शुरू करते हैं। MX प्लेयर को ओपन करूँगा मैं ठीक है। और MX प्लेयर जब ओपन हो जाएगा, सबसे पहले मैं लोगो की सेटिंग कर लेता हूँ ठीक है। और लोगो की सेटिंग के लिए लोगो स्ट्रिप सेटिंग में जाएंगे ठीक है। लोगो वन, लोगो टू, यानी कि दो किस्म के आप लोगो लगा सकते हैं। स्ट्रिप वन, स्ट्रिप टू, यानी कि दो किस्म की आप स्क्रोल या स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं ठीक है। तो मैंने जहाँ पर सेव किया था लोगो और स्क्रोल, वो मेरे डी पार्टीशन में मैंने MX प्लेयर ट्यूटोरियल के हवाले से उसका एक फोल्डर बनाया था। तो वहाँ पर मैं आ गया और लोगो को मैंने सेलेक्ट किया, तो लोगो यहाँ पर शो हो जाएगा। बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए मैं ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करूँगा और पिक कलर करूँगा जो मैं इसका ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट डेट, यानी कि कितने तो कितनी डेट तक आप ये लोगो लगाना चाहते हैं, मतलब 2 माह 3 माह 4 माह, जितने का आपका किसी के साथ एग्रीमेंट है उस हिसाब से। मैंने 30 तारीख तक कर लिया, अप्रैल 2019 30 तारीख ठीक है। और लोगो पर क्लिक किया और इसको मैंने सेव कर दिया। ये लोगो जो है मेरा सेव हो चुका है ठीक है। और इसी तरह से मैं स्ट्रिप में जाऊंगा और स्ट्रिप पर क्लिक करूंगा ठीक है। और स्टार्ट डेट मैंने 2 तारीख कर दी और एंड डेट मैंने इसकी भी 30 अप्रैल 2019 कर दी ठीक है। और इसको भी मैंने सेव कर दिया। और अब मैं इसको ख़त्म करूँगा और लोगो पर जाने के बाद लोगो वन पर जब मैं क्लिक करूँगा, तो जो मैंने लोगो की सेटिंग की थी लोगो, वो मेरा मेरे सामने शो हो जाएगा। अच्छा, अब इसको करना है छोटा बड़ा, वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड करने लगा हूँ ताकि आप लोगों को उसकी समझ आ जाए ठीक है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हो गया। और इन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में 2, 4, 6 और 8 और 7, ये जो हैं 2, 4, 6, 8 और 7, इनका इस्तेमाल होता है इनको इसकी रीसाइज को रीसाइज करने के लिए ठीक है। तो मैंने लोगो पर क्लिक किया और जब मैं 2 पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे आएगा देखें ठीक है। और 4 पर क्लिक करूँगा तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा ठीक है। और 8 पर करूँगा तो ये ऊपर टॉप पर जाएगा ठीक है। और इसको मैं 7 पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा, लोगो जो है मेरा छोटा हो जाएगा ठीक है। इसे मैं 6 करके थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर ठीक है। और अभी इसी तरह से मैंने स्ट्रिप की, स्ट्रिप वन में जो कि मैंने स्ट्रिप लगाई थी लोगो से, लोगो स्ट्रिप सेटिंग में जाकर स्ट्रिप वन पर क्लिक करूँगा तो इसी तरह से मेरी स्ट्रिप भी नीचे आ जाएगी ठीक है। तो इसको भी अगर मैं इसकी रोटेशन चेंज करना चाहूँ तो इसका भी वही तरीकाकार है, इससे ऊपर होगा और 2 से नीचे होगा ठीक है। और बाकी का 6 और 4 का वही सारा तरीकाकार है।
अच्छा, अब मैं प्लेलिस्ट लगाना चाहता हूँ ताकि मैं आपको कोई चीज़ प्ले करके चेक करवा दूँ। तो मैं इन्जॉयमेंट के इस फोल्डर में आ गया, और जहाँ पर आपने कोई भी चीज़ अपनी सेव की होगी, मतलब आप कोई मूवी वगैरह लगाना चाहते हैं या जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं, मतलब इंटरटेन करना चाहते हैं केबल के लिए, तो वो चीज़ आप सेलेक्ट करें फोल्डर, सेव पाथ करें और रिफ़्रेश ट्रैक कर दें। रिफ़्रेश ट्रैक करने से यहाँ पर जो भी आपने चीज़ सेलेक्ट की होगी वो सारा इधर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अभी तक प्ले नहीं हुआ, तो उसके लिए नेक्स्ट ट्रैक करेंगे तो मेरा जो है वो, जो मेरी जो प्लेलिस्ट का जो सॉन्ग है वो प्ले हो जाएगा। और ये देखें लोगो और स्क्रॉल जो है वो बिल्कुल जो है वो आ रहा है, अपना ट्रांसपेरेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा तरीकाकार होता है इसका, लोगो और स्क्रॉल को हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीकाकार से आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा MX प्लेयर के हवाले से ट्यूटोरियल होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इसके अंदर टाइम एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, एल शेप को कैसे लगा सकते हैं, और एल शेप के बाद हम ग्राफिक्स बॉर्डर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक बॉर्डर बनाने का तरीकाकार भी मैं आपको बताऊंगा स्विच मैक्स के अंदर। तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा, चाहे वो MX प्लेयर के हवाले से हो, स्विच मैक्स, एडोब फोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, ADS या किसी भी हवाले से हो, तो उसका मुकम्मल आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, ज़ीशान सफ़दर को इजाज़त दें, ट्यूटोरियल हाउस को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।